अधिक मात्रा में खाना खाना आपकी भूख को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है, पर अगर आपका डिश उतना स्वादिष्ट नहीं है तब तो खाने की छोटी मात्रा ही ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज का अच्छा और बुरा दोनों पहलू होता है, तो चलिए इस बारे में और जानते हैं। ओह, यह मजेदार होगा और मुझे भूख भी लग रही है। क्या हमें देखना चाहिए कि हमें क्या मिला है? क्या यह क्या इतना छोटा सा स्नीकर्स? इसे तो मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना देखना भी संभव नहीं है। तुम सही कह रहे हो, यह बहुत छोटा है। इससे तो मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसे नहीं खाऊंगा। सूजी, हम तो तुम्हारे प्लेट के बारे में भूल ही गए। हाँ सच में, चलो देखते हैं कि यहाँ क्या है। यह तो मेरे छोटे स्नीकर से भी बदतर है। यह क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। वाओ! ओह, क्या मुझे ऐसा लग रहा है या सच में बड़ा स्नीकर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह सही नहीं है। तुम्हें बस मुझसे जलन हो रही है जैकब, और मेरी चॉकलेट को तो छूने की सोचना भी मत। मैं इस पूरे चॉकलेट को खाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। और यह कितना सुंदर है। ओह वाह, जरा इसे देखो, कितना बड़ा चॉकलेट है। इसे तो मैं पूरे सप्ताह तक खा सकती हूँ। मुझे कम से कम थोड़ा सा तो चखने के लिए दो। मैंने कहा नहीं। हर एक अंतिम टुकड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने जो योजना बनाई है वो मैं नहीं कर पाऊंगा? मैं किसी भी हाल में उस स्नीकर को लेकर रहूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? इसे भी वापस करो। उप्स, मैं ऐसा तो नहीं चाह रही थी। उप्स? क्या मैं सच में ऐसा देख रही हूँ या यह केवल एक सपना है? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। यह तो एक बहुत बड़ा प्रिंगल का पैकेट है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इधर आओ मेरे प्यारे, आपने चिप्स का मजा लो। शुक्र है कि मेरे पास भी कुछ है। यहाँ देखो सूजी, मजेदार और स्वादिष्ट। बुरा नहीं है, पर मैं निश्चित रूप से इसे बेहतर कर सकती हूँ। तुम तो अपने आप को इसमें डुबा ही लोगी। अरे, किसने बत्ती बुझा दी? इतना अंधेरा क्यों है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठो, तब तक मैं तुम्हारे चिप्स के मजे लेता हूँ। ओह, लगता है भूकंप आ गया। किंडर सरप्राइज, बहुत बढ़िया, मुझे यह चीज बहुत पसंद है। जैकब का अंडा कितना बड़ा है। उसके सामने तो मेरा वाला कुछ भी नहीं लग रहा है, पर फिर भी इसे खाकर मुझे बहुत खुशी होगी। ओ, मैं तो भूल ही गई थी कि इसके अंदर हमेशा एक खिलौना होता है। जैकब, जल्दी करो और पता लगाओ कि तुम्हारे वाले में क्या है। वाह, मुझे तो एक बहुत बड़े कप में चॉकलेट सॉस मिला है। हमेशा मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कैसे हो जाते हो? हमेशा नहीं। ओ, मैं इसे थोड़ा चमकदार और रंगीन बनाता हूँ। जरा देखो, अब यह कितना सुंदर लग रहा है, एकदम एक इंद्रधनुष के समान। मुझे लगता है कि इसे थोड़ा हिलाना चाहिए। अरे नहीं, मैंने गलती से सब कुछ फैला दिया और सारा चॉकलेट से गंदा हो गया। तुम बहुत अनाड़ी हो, अब बैठकर देखते रहो और ईर्ष्या करते रहो। मैं थोड़ा बदकिस्मत निकला। मैंने इतने बड़े रोल कभी नहीं देखे हैं। मेरे पास तो कुछ भी आश्चर्य करने लायक नहीं है। अब थोड़ा खुश भी हो जाओ, यह बहुत अच्छा है। सूजी, क्या यह तुम हो? हाँ, मैं बस थोड़ा यहाँ के वातावरण को बदलने की कोशिश कर रही थी। अब समय है अपने जापानी भोजन को खाने का। यह सुशी जापानी व्यंजन का सबसे अच्छा डिश है।
आशा करता हूँ कि यह विशाल आकार का सुशी भी छोटे वाले की तरह ही स्वादिष्ट हो। पर इसे खाने से पहले कुछ करने की कोशिश करता हूँ। वाह, यह तो बहुत अच्छे से हो गया। तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। इतना ही नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ, अब मैं इसकी बात कर रहा था। अब मैं खा सकता हूँ। खाने के लिए शुभकामनाएं। बहुत स्वादिष्ट। चाइनीज नूडल्स। हम तो फिर से भाग्यशाली निकले। और मुझे फिर से इतना थोड़ा सा मिला है। खैर, जो है सो है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, पर इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकते। क्या खत्म हो गया? इसे देखो, यह सही हिस्सा है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। जितना ज्यादा उतना बढ़िया। ओ, मेरे मुंह थक गए। यह बहुत मुश्किल है। मैं तो खाते खाते उब गया था। हाँ, मैंने खत्म कर लिया। आखिरकार मुझे तो चिंता हो रही थी कि मैं बूढ़ी होकर मर भी जाऊंगी। आइसक्रीम। वाह, क्या बात है। अब तो यह हद ही हो गई। क्या मैंने ऐसा कुछ कर दिया है कि चुनौती के देवता मुझसे नाराज ही हो गए हैं? ओह, अब चलो, हमारे पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, और हम इसके साथ बहुत मजे कर सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। आइसक्रीम को उछालता हूँ। चलो अपना मुंह जोर से खोलो। तुम्हारा निशाना तो कमाल का है। धन्यवाद। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा मेरे आइसक्रीम के साथ कर सकती हो या नहीं। क्या तुम इसके लिए निश्चित हो? ठीक है, आ रहा है। आस, तुमने सीधे मेरे चेहरे पर मारा। माफ करना, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। मेरे भागी ने फिर से मेरा साथ नहीं दिया। आज किस्मत मेरी तरफ है। हालात से समझौता कर लो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं मानूंगी। देखो, उधर एक चिड़िया है। और अब मैं तुम्हारे नाक के नीचे से सारे हॉट डॉग्स को चुरा लूंगी। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास जो है वह खा रही हूँ। यह ठीक नहीं हो रहा है। यह सब मेरे हैं। शांत हो जाओ, मैंने बस थोड़ा लिया है। थोड़ा सा? क्या तुम मजाक कर रही हो? यह लो। तो लगता है कि बड़ा हिस्सा बेहतर होता है, लेकिन अगर आपके आसपास अच्छे लोग हों और मजेदार वीडियो, तब यह बात कोई मायने नहीं रखता कि हिस्सा छोटा है या बड़ा। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि अगली बार जब आप कुछ खाने बैठे तो हमारे चैनल के वीडियोस देखें। जल्दी फिर मिलेंगे दोस्तों।